हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम यम्मी ब्रेड पनीर चीज़ पिज़्ज़ा पॉकेट्स की। आप इसे झटपट से कभी भी बनाकर खा सकते हैं, बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए या फिर स्नैक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पनीर पिज़्ज़ा पॉकेट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ बारीक कटे हुए थोड़े से टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए गाजर। आप इसमें अपने मन चाहे कोई भी वेजेस डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से उबले हुए स्वीट कॉर्न। और क्योंकि हम पनीर पिज़्ज़ा पॉकेट्स बना रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर डालेंगे छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए पनीर। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चीज़, तो चीज़ आपको जितना पसंद हो उस हिसाब से डालिए। और अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और दो से तीन बड़े चम्मच डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद अब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा पॉकेट का स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम ब्रेड के स्लाइसेस को लेकर उसके किनारों को यानी कि उसके एजेस को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। आप इसके किनारों को ब्रेड क्रम बनाने में यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके किनारों को कट करके निकाल दिया है। अब हम इसे बेलन से इस तरह से हल्के हाथ से बेल लेंगे और उसके बाद हम इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरह से। और अब हम तैयार की हुई स्टफिंग को ब्रेड के बीच में इस तरह से रखेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। पूरे ब्रेड पे स्टफिंग को स्प्रेड नहीं करना है, जहां तक हमने पानी लगाया था उतने किनारों को हम छोड़ देंगे। और फिर हम दूसरे ब्रेड स्लाइस को इसके ऊपर रखकर इस तरह से इसके किनारों को यानी कि इसके साइड्स को उंगलियों से प्रेस करेंगे, या फिर आप चाहें तो फॉक की हेल्प से इस तरह से इसके साइड्स को प्रेस करके सील कर सकते हैं। फॉक से करने से एकदम बढ़िया से अच्छे से सील हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा एक ब्रेड पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे ब्रेड पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। मैं आज इसे शैलो फ्राई करूंगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर बेक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शैलो फ्राई करने के लिए तेल गरम होने रख लिया था। इसमें हम एक एक करके ब्रेड पॉकेट्स को डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे नीचे की तरफ से एकदम बढ़िया गोल्डन होने तक। तो ये देखिए, नीचे की तरफ से एकदम बढ़िया गोल्डन हो चुका है। तो इसे हम पलट देंगे, सारे ब्रेड पॉकेट्स को इसी तरह से पलट देना है। और अब इसे दूसरी तरफ से भी एकदम बढ़िया गोल्डन होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे ब्रेड पॉकेट्स दोनों तरफ से एकदम बढ़िया गोल्डन हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हम सारे ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको इस ब्रेड पनीर चीज पिज्जा पॉकेट को कट करके दिखाती हूँ अंदर से कितना बढ़िया स्टफ हुआ है और कितना टेस्टी बना है। ये देखिए, एकदम बढ़िया से अंदर से ये स्टफ हुआ है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। तो इसी तरह से हम सारे ब्रेड पॉकेट्स को कट करके सर्व करेंगे। एकदम झटपट से हमारे ब्रेड पनीर चीज पिज्जा पॉकेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम सर्व करेंगे हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ। इसे गार्निश करेंगे थोड़े से ग्रेटेड चीज से। और ये देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी एकदम यम्मी हमारा ब्रेड पनीर चीज पिज्जा पॉकेट्स बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो आज की ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसी टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।